भैया क्या हो रहा है आगे? जिस साद अली खान का काफिला गुजर रहा था, किसी गरीब को रोते हुए चले गए हैं। हमारे नाम नेहाद सियासतदानों और पॉलिसी मेकर्स ने सारी कौम को भिखारी बनाकर रख दिया है। एक इनाम हमारी तरफ से भी। ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। तुम्हारे घर में तो होंगे इससे भी गरीब बच्चे। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में दाऊद अली खान का काफिला गुजर रहा था, किसी गरीब को अपनी गाड़ी के नीचे रोते हुए वहां से चले गए हैं। और शिब्रा जो रिक्शे में जा रही थी, वो एक मोटरसाइकिल वाले को रोककर पूछती है कि यहाँ इतना रश क्यों लगा हुआ है। तो वो उसको ये सारी बात बताता है, तो वो बहुत ही अफसरदा हो जाती है और फिर उन लोगों को खड़ी देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये हमारे हुक्मरानों का हाल है, गरीब को तो जीने का हक ही नहीं देते। उसके बाद जब वो इनामात ले रही होती है, तो दाऊद अली खान उसको एक भारी चेक भी अपनी जेब से निकाल कर देता है और कहता है कि ये हमारी तरफ से आपके लिए, ये भी कबूल करें। उधर सलमान साहब फजल बख्श को कह रहे होते हैं कि ये गरीब है, हमारे हुक्मरानों ने और पॉलिसी मेकर्स ने इनको गरीब बनाकर रख दिया है, इनको भिखारी बनाकर रख दिया है। तुम्हें तो ये सब कुछ पता होगा क्योंकि तुम्हारे घर में इससे भी ज्यादा गरीब बच्चे रहते होंगे और ये हमारी कौम का मुस्तकबिल है। तो वो उनकी तरफ हैरत भरी नजरों से देखता है और अफसरदा सा हो जाता है। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।